टैक्स घटाने के लिए रिस्ट्रक्चर करें सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी सीटीसी के 40% से ज़्यादा ना हो। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है तो कंपनी की ओर से उसका सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी तय किया जाता है। कर्मचारी अपना सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनवा सकते हैं कि टैक्स का बोझ कम हो जाए। आइए जानते हैं कैसे। बेसिक सैलरी और अलाउंस। बेसिक सैलरी हमेशा कर योग्य होती है। सलाह के लिए यह सीटीसी के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि बेसिक सैलरी कम रखने से वेतन के अन्य घटक कम हो जाते हैं। HRA, LTA और मेडिकल भत्ते जैसे कुछ अलाउंस कुछ शर्तों के आधार पर टैक्स फ्री हो सकते हैं। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कौन से, आइए जानते हैं। EPF, PPF, NSC और ELSS जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से आयकर की धारा 80C के तहत पर्याप्त टैक्स कटौती मिल सकती है। सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग। नियोक्ता की अनुमति से ज़्यादा टैक्स फ्री अलाउंस और बेनिफिट शामिल करने के लिए सैलरी रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए HRA ज़्यादा रखवा सकते हैं। फ्लेक्सिबल बेनिफिट, आइए जानते हैं कैसे। कुछ नियोक्ता कर्मचारी को उनकी ज़रूरत के आधार पर टैक्स फ्री फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस, फूड वाउचर या कार अलाउंस शामिल है। बोनस और अनुलाभ। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस और कंपनी द्वारा दिया गया घर, वाहन या क्लब मेंबरशिप जैसे नॉन मॉनिटरिंग अनुलाभ के लिए नेगोशिएशन करने पर आप विचार कर सकते हैं। सही टैक्स व्यवस्था चुनें। अपने सैलरी स्ट्रक्चर में धारा 80C की कटौती और छूटों का लाभ उठाने वाले करदाताओं के लिए पुरानी कर व्यवस्था बेहतर है। जैसे कि HRA क्लेम करना, CTC का एक भाग रीइंबर्समेंट के रूप में प्राप्त करना आदि। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरें पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।